आई ममता बनर्जी के दौरे का आज तीसरा दिन है। कल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, आज सोनिया गांधी से मुलाकात की तैयारी है। आपको बता दें, दोनों की मुलाकात शाम चाय पर हो रही है, यानी कि रिश्तों में चीनी तो घुल रहा है, मिठास भी बढ़ रही है। बस देखने वाली ये बात होगी कि रिश्तों में आई ये रफ्तार आखिर कहां तक रहती है और कहां तक बनी रहती है। मंगलवार को जिस बैठक की बुनियाद रखी गई, आज उसके विस्तार का दिन है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हो रही है। देश की राजनीति के दो सबसे मजबूत महिला चेहरे की चाय पर चर्चा होगी। बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। ममता बनर्जी के विपक्ष एकता अभियान का ये सबसे बड़ा पड़ाव है। कांग्रेस और ममता बनर्जी के रिश्तों की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि दोनों का 36 का रिश्ता रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही काबिज होकर आगे बढ़ी। जिन हालात में वो कांग्रेस से निकली थीं, ये भी छिपा नहीं है। आज हालात ये हैं कि बंगाल से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बन चुका है, लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर कुछ करना है तो कांग्रेस की बैसाखी जरूरी है। 2009 में कांग्रेस टीएमसी के साथ चुनाव लड़ चुकी है, अब रिश्ता आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तैयारी पहले भी होती थी, सीपीएम पार्टी जब सत्ता में थी तो इसी प्रकार भूमिका निभाती थी, लेकिन आज सीपीएम कहाँ है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो ममता बनर्जी बंगाल में असफल हो रही है, वहां सरकार की प्रगति में कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर गया है, लोकतंत्र नहीं है, तो उसको पहले संभाले, दिल्ली और देश को संभालने के लिए मोदी जी हैं, और जब तक मोदी जी हैं देश निश्चिंत है। समान विचार वाले, ये तो हमारा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नज़दीकी से एक साथ सहमति ज़रूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी। ममता बनर्जी का आज व्यस्त कार्यक्रम है, ताबड़तोड़ बैठकें हैं, तीन मुलाकातें अहम हैं, सोनिया गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, शरद पवार से। विपक्ष को एक धागे में पिरोने में ममता बनर्जी अहम रोल निभा सकती है, इसकी कई वजह है। वजह नंबर एक, ममता बनर्जी सेक्युलर चेहरा है। वजह नंबर दो, मोदी शाह का रथ बंगाल में रोका। वजह नंबर तीन,